मैं श्याम वर्मा आपका केमिकलपीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने साइड एक्शन को टू टाइप्स में डिवाइड किया था, क्रशर और ग्राइंडर। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो देखें, जिसमें आपको क्रशर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली मैं क्रशर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। क्रशर क्या होते थे कि किसी भी बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना क्रशर कहलाता है। मतलब किसी भी पार्टिकल को तोड़ के छोटे भागों में कन्वर्ट करना क्रशर कहलाता है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो थर्ड पॉइंट पे डिसाइड होंगे। ग्राइंडर क्या होते हैं? ग्राइंडर के दो पार्ट्स होते हैं, एक हैमर मिल, बॉल मिल्स। और आज हम बात करेंगे एक डेरिवेशन की, जो होती है क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल। मतलब बॉल मिल की कितनी क्रिटिकल स्पीड रखें ताकि वो सुटेबल रूप से काम कर सके। तो आइए देखते हैं कि हैमर मिल क्या होती है, जो फिगर आपके सामने है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि पार्टिकल्स को, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको पाउडर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो ग्राइंडर की डिफिनेशन इससे क्या आती है कि क्रशर से जो हम प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, क्रशर से प्राप्त छोटे छोटे पार्टिकल्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना ग्राइंडर कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं हैमर मिल के बारे में, जो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कैसे इसका वर्किंग होती है देखें। इसमें क्या होती है, एक कैसिंग होती है, एक हमारी सिलेंडर टाइप की कैसिंग होती है जो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। इसमें रोटर लगे होते हैं, रोटर डिस्क ये बने होते हैं जिसके ऊपर हमारे हैमर्स लगे होते हैं। हैमर्स का मतलब आप सीधे सीधे जानते होंगे, हथौड़ा। मतलब जो इसमें ग्राइंडिंग की जाती है वो हथौड़े के द्वारा की जाती है। ठीक, और ये हम देख रहे होंगे बॉटम में स्क्रीन लगी होगी। स्क्रीन जैसे हमारे घर में चलनी टाइप की होती है, किसी आटे को चलने के लिए सेम टाइप की यहाँ चलनी लगी होती है, जितने साइज की हमें प्रोडक्ट प्राप्त करनी होती है उसके लिए। और यह स्क्रीन होगी, यहाँ से डिस्चार्ज में प्राप्त हो जाता है। तो देखते हैं कैसे बात करती है। हमने फीड को यहाँ से इनलेट करा दिया, इलेक्ट कराएंगे तो हमारी जो फीड होगी वो ये हमारे जो हैमर्स हैं और जो कैसिंग है उसके बीच में आ जाती है। और हमारी जो हैमर रोटर की स्पीड होती है हमारी जो, वो 112 आरपीएम होती है। जो आप ध्यान देते हैं 112 आरपीएम, मतलब एक मिनट में 112 बार हमारी ये मूव करती है। मतलब आप सीधे सीधे अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत हाई स्पीड पे मूव कर रही होगी, वेलोसिटी काफी ज्यादा होगी, जिससे क्या होंगे यहाँ सेंट्रीफ्यूजल फोर्स लगते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले फोर्स लगेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगी, हमारे जो पार्टिकल्स आएंगे वो इन दोनों के बीच में आकर बस जाएंगे, कैसिंग और हैमर्स के बीच। और हैमर्स की स्पीड इतनी तेज है कि उसे तोड़ता रहेगा तब तक तोड़ेगा जब तक ये पाउडर फॉर्म हमारी लगाई गई स्क्रीन से पास नहीं हो जाता, क्योंकि हमें जिस साइज का प्रोडक्ट चाहिए उसी साइज की हमने स्क्रीन यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। तब तक टूटते रहेंगे हमारे प्रोडक्ट या फीड जब तक उनकी साइज हमारे प्रोडक्ट की साइज के बराबर नहीं हो जाती। अब आगे हम देखते हैं, क्लियर है? फिर से एक बार देखते हैं, हमारी फीड यहाँ से इनलेट होती है, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स के कारण ये हमारी फीड यहाँ अंदर आती है, अंदर आती है इन दोनों के बीच आकर बच जाती है। हमारी हैमर की स्पीड इतनी ज्यादा, और एक बार यहाँ ध्यान रखें, जो हमारी हैमर्स होती हैं वो 6 से 8 के रेशियो में होती है, हमारी 6 से 8 लगी होंगी मैक्सिमम इतनी होती है, तो इनके बीच बच जाती है और तब तक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है जब तक हमारी डिस्चार्ज से पास नहीं हो जाती। अब हम देखें ग्राइंडर हमारी हो गई, हैमर मिल जो, अब हम बात करते हैं बॉल मिल्स के बारे में। क्या है ये बॉल मिल्स? अब जैसा आप देख रहे हैं कि बॉल मिल की फिगर आपके सामने है, इसमें क्या होता है, बॉल मिल जैसे हम जानते हैं कि ग्राइंडिंग इक्विपमेंट है, मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम आती है। तो जिस हमें क्रशिंग फीड थी हमारी, वो हमने यहाँ पर फीड कराई। ध्यान रखने वाली बात है, जो पूछी जाती है कि क्रशिंग जो ग्राइंडिंग होती है उसमें बॉल मिल में कितने पे इनलेट की जाती है, कितने एंगल होती है, वो आपको ध्यान रखना है। 60 डिग्री पे एंगल की जाती है और आउटलेट जो होती है वो 30 डिग्री पे की जाती है। रीजन इसका ये है कि अगर आप हॉपर देखे होंगे, हॉपर जिसे फीड की जाती है, दो टाइप्स के हॉपर होते हैं, एक क्या होती है, एक हमारी सीधी हॉपर होती है, एक थोड़ी एंगल टाइप की होती है। सीधी हॉपर पर क्या होगा कि अगर आप हम यहाँ से फीड डालेंगे तो डायरेक्ट किसी चीज पे एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और क्या होती है अगर जो हम एंगल और हॉपर डालते हैं तो क्या होती है एक तरह से सीरियल वाइज से चलती चली जाती है। इसलिए हमारा जो हॉपर यूज किया जाता है अधिकतर वो एंगल हॉपर यूज किया जाता है। ठीक, इसी तरह इसमें भी 60 डिग्री के एंगल पे हम फिट किए जाते हैं। इसमें क्या होती है, एक हमारी सिलेंड्रिकल सेल होती है, जो आपको दिख रही है सिलेंड्रिकल टाइप की वैसल है, सिलेंड्रिकल सेल होती है, इसमें ड्राइव गियर होते हैं। और ये जो आपको दिख रही है, आपने ध्यान से देखा होगा तो आपके घरों में जब छत लगती है तो एक मशीन आती है जो राउंड राउंड घूमती रहती है, तो सेम टाइप की मशीन होती है। ये अंदर का फिगर दिखाया गया, जैसे उसमें मटेरियल गिट्टी मोरंग अंदर होते हैं, सेम टाइप का इसमें दिखाया गया। इसमें दो जो ग्राइंडिंग की जाती है वो दो टाइप के बॉल होते हैं, एक तो हमारी लार्ज बॉल्स जो आप देख रहे हैं, लार्ज बॉल्स बड़ी बड़ी, और एक छोटी स्मॉल बॉल्स होती है। ठीक, और जो ये ग्रीन कलर्स की आपको दिख रही है वो हमारी होती है मटेरियल। ठीक, तो आप देखते हैं कि कैसे इन्वॉल्व करती है। हमने फील्ड को यहाँ से 60 डिग्री पे एंगल पे इनलेट करा दिया। ठीक, अब इनलेट कराएंगे और इस मशीन को हमने घुमाना स्टार्ट कर दिया। जो हमारी ये मशीन होती है इसको हम बॉल्स से सिर्फ
अगर हम इससे ज्यादा इसमें फिल कर देंगे तो क्या होती है, बॉल सी ज्यादा हो जाएगी और जब ये ग्राइंडिंग होगी अगर फुल हो जाएगी और ये घूमेगी तो आपस में टकरा नहीं पाएंगे, मटेरियल और बॉल्स आपस में टकरा नहीं पाएंगे जिससे ग्राइंडिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए मशीन की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए इसमें बॉल्स जो होते हैं 30-50% ही फीड किए जाते हैं। और जो हमारी जो बॉल्स होती हैं वो दो तरीके की बनाई जा सकती है, एक तो स्टेनलेस स्टील की बॉल्स बनाई जा सकती हैं, एक रबर की बॉल्स बनाई जा सकती हैं। जैसी हमें रिक्वायरमेंट हो वैसी हम बॉल यूज कर सकते हैं और बॉल्स को बार बार चेंज भी कर सकते हैं। अगर बॉल्स हमारी खराब हो जाती है तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे होती है, हमने यहाँ से फीड इलेक्ट करा दी। ठीक, अब जो बड़े बड़े बॉल्स होंगे वो पहले आ जाएंगे। ठीक, क्योंकि बड़े बड़े हमारी फीड होगी पार्टिकल उसको तोड़ने के लिए हमारे बड़े बॉल्स इनलेट की तरफ और जो छोटे छोटे बॉल्स होंगे आउटलेट की तरफ, क्योंकि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए छोटे छोटे बॉल्स की जरूरत होती है। ठीक, तो इस मशीन को हमने घुमाना स्टार्ट कर दिया स्लो में, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं रहेगी तो हमने घुमाना स्टार्ट किया तो बॉल्स जो इस होंगे ऐसे ऊपर आके नीचे गिरेंगे, ऐसे बॉल्स ऊपर गई फीड के साथ फिर नीचे गिरी तो आपस में टकराएंगे तो टूटने लगी। बार बार ऐसे घूमने से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है और यहाँ पर एक स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन से जितने साइज के प्रोडक्ट हमें चाहिए होती है यहाँ से हम प्रोडक्ट को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, इसकी जो एफिशिएंसी हमारी होती है वो होती है 1-50 टन/आवर, मतलब हमारा एक घंटे में जो होता है टन/आवर जो हमारा होता है एक आवर्स में 50 से 50 टन तक ये हमारी ग्राइंडिंग कर देती है। ठीक, एक बार फिर से हम देखेंगे क्या वर्किंग होती है। हमने फीड को यहाँ से इनलेट कर दिया, बड़े बॉल्स होंगे जो इनलेट की तरफ आ जाएंगे बड़े बड़े पार्टिकल को तोड़ने के लिए और यहाँ से जब टूटते चले जाएंगे तो छोटे बॉल्स आउटलेट की तरफ चले जाएंगे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ड्राई गियर का क्या काम होता है कि मशीन को ज्यादा या कम करने के लिए स्पीड के लिए ड्राई गियर यूज किया जाता है। और एक सबसे ज्यादा समझने वाली बात ये लाइनर जो आपको दिख रही होगी, लाइनर लिखी हुई है, इसका वर्क क्या होता है, अगर आप मशीन में कोई चीज ज्यादा देर तक ग्राइंड कर रहे हैं तो क्या होगी कि जो हमारी वेसल होगी ये तो हमारी मेटल की वो गर्म होने लगती है, गर्म होने की टेंडेंसी होती है तो वेसल गर्म ना हो उसके लिए क्या की जाती है लाइनर मैगनीज या स्टेनलेस स्टील की एक लाइन अंदर बना दी जाती है जिससे वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता और मशीन को हीट अप होने से बचाया जा सकता है। अब बात करेंगे क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल की, तो देखते हैं रेगुलेशन कैसे होते हैं। क्या होती है कि इसको हम मिल अपनी मान लिए मिल और इसमें हमारी ये बॉल्स हैं, ये बॉल इसकी मिल की इस रेडियस हम मान लिए कैपिटल आर और जो हमारी बॉल्स हैं उसकी रेडियस हमने मान ली स्मॉल आर। ठीक, अगर इनके बीच एंगल हमारी अल्फा है तो अगर जो हमारी बॉल्स है तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी एम जी काम कर रही होगी, जो हमारी नीचे कंपोनेंट लेंगे एम जी। अब इसको दो कंपोनेंट में हम डिवाइड करते हैं तो अगर हमारा ये कोण अल्फा है तो ये हमारी कोण अल्फा हो जाएगी। ठीक, तो अब इसको दो कंपोनेंट में हम डिवाइड करते हैं, एक ये इसका कंपोनेंट हो गया एक ये कंपोनेंट है। ठीक, और इसमें जो प्रक्रिया में लगेगी आर ये इधर तक की होगी। अब इस कंपोनेंट को तोड़ते हैं तो एम जी साइन अल्फा हमारी हो जाएगी और एंगल की तरफ के कोण को क्या बोलते हैं एम जी कॉस अल्फा। ठीक, और इसको जो बोलते हैं तो क्या होती है जो हमारी सर्कल होती है उसमें जो हमारी अपकेनेबल होती है वो सेंटर से दूर की तरफ लगती है बाहर की तरफ लगती है। ठीक, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी जो अपकेंद्रीय बल होते हैं अपकेंद्रीय फोर्स होती है उसकी वैल्यू होती है एम बी स्क्वायर अपन आर होती है। ठीक, अगर ये कैपिटल आर है इसकी रेडियस मिल की और बॉल्स की मीडियल रेडियस स्मॉल आर है तो यहां से यहां के बीच की दूरी क्या हो जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगी। ठीक, तो अब यहां एम बी स्क्वायर और रेडियस जो हमारी हो गई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक, इतनी क्लियर हो गई। तो अब क्या हो रही है जो हमारी ये फोर्स लग रही है एम जी कॉस अल्फा वो इक्विवेलेंट बराबर कर रही है जो काउंटर बराबर कर रही है एम बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर के। तो अब डेरिवेशन की स्टेप हमारी यहीं से शुरू होती है एम बी स्क्वायर यहां कर लेते हैं एम जी कॉस अल्फा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर। ठीक, हमारे एम से एम कैंसिल आउट हो गया बचा क्या जी कॉस अल्फा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक, अब क्या है वी नॉट हम जानते हैं वी बराबर आर ओमेगा हम जानते हैं और ओमेगा की वैल्यू हमें पहले से पता होती है ओमेगा इक्वल टू 2πn। ठीक, तो ओमेगा की वैल्यू हम रखते हैं 2πn और जो हमारी रेडियस को हमने पहले फाइंड कर ली है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करिए इसलिए हमारा वी है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं तो वी स्क्वायर की टर्म में आ जाएगी तो वी स्क्वायर इक्वल टू 4πn
एन स्क्वायर आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये वैल्यू हम इक्वेशन वन मान लें तो इसमें पुट कर दें। ठीक, पुट करेंगे तो क्या होगा, जी कॉस अल्फा इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर माइनस आर का स्क्वायर ठीक अपॉन आर माइनस आर, आर माइनस आर से एक आर माइनस आर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारा जी कॉस अल्फा इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर माइनस आर। ठीक, अब क्या हम करें, हमें क्रिटिकल स्पीड निकालनी है, तो क्रिटिकल स्पीड निकालनी है तो एन की जगह जो हमारी रोटेशन है वो एन सी कर दें, एन सी करेंगे तो क्रिटिकल स्पीड हो जाएगी, और जो हमारी एंगल होती है कॉस की मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी आती है वो जीरो डिग्री पे आती है, कॉस जीरो इक्वल टू वन, तो पुट हम वही कर देंगे कि कॉस अल्फा की वैल्यू हम जीरो डिग्री पुट करेंगे और एन इक्वल टू एन सी हम पुट कर देंगे। ठीक, तो क्या होगा, जी कॉस जीरो डिग्री इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर एन सी स्क्वायर आर माइनस आर। ठीक, इसकी वैल्यू हमारी वन हो जाएगी, जी इंटू वन इक्वल टू फोर पर फोर पाई स्क्वायर एन सी स्क्वायर आर माइनस आर। ठीक, अब यहां देखते हैं क्या होगा, अब हम क्या करें, एन सी की वैल्यू यहां से निकालें, एन सी स्क्वायर टू आ गए जी अपॉन फोर पाई स्क्वायर आर माइनस आर, और एन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम रूट में ले लेंगे तो वन अपॉन टू पाई जी अपॉन आर माइनस आर, ये हमारी डेरिवेशन हो जाती है क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल की। और हम ये पहले यहाँ बताते हैं क्रिटिकल स्पीड होती क्या है, कि अगर जो हम बॉल मिल में किस स्पीड का रखें कि हमारी ग्राइंडिंग इफिशियंसी के साथ हो, अगर जो हम एक उस स्पीड से ज्यादा कोई ग्राइंडिंग करने लगेंगे तो क्या होगी, जो हमारी बॉल्स होंगी वो स्पीड से आगे सरफेस से ही होकर चली जाएंगी और नीचे बॉल से नहीं टकराएंगी, सरफेस के ऊपर ऐसे चली जाएंगी वापस, और ग्राइंडिंग टकराने के कारण ग्राइंडिंग नहीं होगी, इसलिए इसको बोलते हैं मिल सेंट्रीफ्यूज हो गई, कि जब ग्राइंडिंग हमारी नहीं होगी तो मिल हमारी सेंट्रीफ्यूज कराती है, तो इसलिए हमेशा जो बॉल मिल होती है वो क्रिटिकल स्पीड से कम स्पीड पे चलाई जाती है। थैंक यू, और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर इसमें कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालें।